भदोही जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख की कई सीटों पर अधिकतर कब्जा रखने वाले ज्ञानपुर के बाहुबली विधायक विजय मिश्रा रिश्तेदार की संपत्ति कब्जाने के मामले में आगरा जेल में बंद है। विजय मिश्रा के जेल में होने की वजह से उनके कब्जे में रही जिला पंचायत की सीट पर तमाम राजनीतिक धुरंधरों की और बाहुबलों की निगाहें लगी हुई हैं। जिला पंचायत सीट सामान्य होने और आसपास के जिलों की सीट आरक्षित होने के चलते उन जिलों के बाहुबली नेताओं की पैनी निगाह है, लेकिन हाल ही में विजय मिश्रा की बेटी सीमा मिश्रा की समाजवादी पार्टी में एंट्री लेने से यहां का राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। लोग सीमा मिश्रा के जिला पंचायत चुनाव में दस्तक देने का कयास लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक सीमा मिश्रा ने अपने पते नहीं खोले हैं। लगातार चौथी बार विधायक बने विजय मिश्रा का चार बार जिला पंचायत की सीट पर भी कब्जा रहा है। निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष काजल यादव को भी उन्होंने ही अपने प्रक्रम से निवृत्त अध्यक्ष बनाया था। ब्लॉक प्रमुख पदों की बात करें तो ज्ञानपुर से उनके भतीजे मनीष मिश्रा ब्लॉक प्रमुख हैं, तो वर्तमान में विधायक की खिलाफत भी कर रहे हैं। वहीं दो अन्य सीट दीक और अभोली के ब्लॉक प्रमुख भी उन्हीं के चहेते माने जाते हैं। लिहाजा वर्तमान जिला पंचायत चुनाव से पहले विधायक आगरा जेल में बंद हैं और साथ ही सीट सामान्य होने के कारण उम्मीदवारों की लाइन भी लंबी है। खबरों की माने तो MLC ब्रिजेश सिंह, पूर्व MLC विनीत सिंह, पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा सहित कई ऐसे नेता हैं जिनके परिवार या रिश्तेदारों के जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए दावेदारी ठोकने का संभावना है। वहीं साल 2014 में लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी रही सीमा मिश्रा की दोबारा सपा में अखिलेश यादव ने एंट्री करा दी है, जिसके बाद से यहां का चुनावी माहौल गर्म है। चुनाव में सामान्य पृष्ठभूमि से भी आने वाले कई उम्मीदवार मैदान में अपनी तैयारी कर रहे हैं। हालांकि सभी को अभी जिला पंचायत सदस्य पद के सीटों पर आरक्षण सूची का इंतजार है। वैसे अरुणाचल के कई जिलों की सूची सामने आ चुकी है, लेकिन भदोही जिले में सूची का सभी को इंतजार है। ऐसा माना जा रहा है कि सूची सामने आते ही उम्मीदवार खुलकर मैदान में सामने आ जाएंगे। न्यूज़ डेस्क।